और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होने वाली दोस्तों, ये पूरा कॉम्बिनेशन होने वाला है जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें छोटा चार धाम भी रहेगा, यानी कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ भी रहेगा। कैसे आप घूम सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी घूमेंगे साथ में, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, साथ में चार धाम भी दर्शन करेंगे। मतलब तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में। आज डेट है 28 जनवरी 2024 और मैं हूँ अभी नए घर की अभी छत पे ही और वॉकर में घूम रहा है। धूप आज बड़ी शानदार आई हुई है, तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको दिखाया था, यहीं पे ब्लॉग खत्म किया था। मेरी जो 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप होने वाली है उसको लेकर सोहन ने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। मैंने नोट्स बनाए थे जिसमें मैंने लिखा था मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, और सौर के हाथ में वो कॉपी पड़ गई, उसने पन्ना फाड़ दिया बीच बीच में से। तो उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो मैंने लिखा था उस सबको जो गूगल ड्राइव रहता है उसमें मैंने एक्सेल सीट फाइल में एक्सेल सीट वगैरह बनाकर उसमें सेव कर लिया परमानेंटली। तो इससे क्या है, मैं मोबाइल से भी उसको एक्सेस कर सकता हूँ, बार बार मुझे मतलब कॉपी नहीं देखनी पड़ेगी या फिर मुझे उसकी फ़ोटो वगैरह नहीं खींचनी पड़ेगी। मैं डायरेक्टली मोबाइल में खोल लूँगा और वो देख सकता हूँ उसमें चेंजेस वगैरह जो करने हैं, डायरेक्ट उसी सीट में कर लूँगा। और हाँ, जब मेरी 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप हो जाएगी उसके बाद मैं उस सीट को, अगर कोई जाना चाहता है 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप पे, अगर कोई जाना चाहता है आगे फ्यूचर में 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रिप पर, मैं उसको दे सकता हूँ कि भैया ऐसे ऐसे आपको रिजर्वेशन करना है। क्योंकि मैंने जो रिजर्वेशन किए हैं वो मैंने काफ़ी ढूंढने के बाद रिजर्वेशन किए हैं। वैसे तो अपन एक ट्रेन चलती है 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करवाने के लिए, जो कि शायद हरिद्वार या ऋषिकेश से चलती है कहीं से, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी हैं उसकी। वो 1 लाख रुपए ले रहे हैं 20 दिन से थोड़ा कम टाइम में शायद घुमा देंगे आपको सभी ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ उसमें शायद आपको खुद को करना पड़ेगा, केदारनाथ करने के बाद फिर आपको उस ट्रेन को लेना है, उस ट्रेन में बैठना है, वो आपको पूरे ज्योतिर्लिंग करवाएगी बची हुई। उसका खर्चा करीब 1 लाख रुपये पड़ता है थर्ड एसी का, और अगर मैं थर्ड एसी से अपना खुद का रिजर्वेशन करूं तो यही खर्चा, वैसे तो स्लीपर का खर्चा मुझे शायद 7,500 के आसपास पड़ा है सभी ज्योतिर्लिंग का। कहीं कहीं बस भी करनी पड़ी है, और हाँ हरिद्वार ऋषिकेश के आगे जो है उसका मैंने जोड़ा नहीं क्योंकि उसकी मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैंने उसका एक्स्ट्रा 5,000 रुपये लेके चल रहा हूँ, तो मतलब ये मान के चलिए 12,000 के आसपास मेरा टोटल खर्चा पड़ रहा है सब जगह की बस वगैरह मिलाकर। और आगे कहीं टेम्पो वगैरह करना पड़े तो 15,000 अपन मान लेते हैं मोटा मोटा खर्चा, 15,000 के अंदर अपना पूरा ट्रैवलिंग का कॉस्ट निकल आएगा। और इसके बाद जो रहने खाने का होगा, अगर 2 लोग जाएंगे हम लोग, मतलब मैं और मुकेश जा रहे हैं वैसे तो, अगर 2 लोग जाएंगे तो होटल का खर्चा आधा आधा हो जाएगा। खाने का भी खर्चा सही निकल आता है क्योंकि 2 लोगों में थोड़ा मैनेज हो जाता है, एक सब्ज़ी ले ली, 8-10 रोटी ले ली, खा लिया आराम से, तो खाने का भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। तो इसी को देखते हुए आज फिर से मुझे 1 बजे के आसपास मुकेश के यहाँ जाना है, क्योंकि कल गए थे तो कल काम हो नहीं पाया, लाइट वगैरह नहीं थी। आज जाऊँगा तो उसको बताऊँगा ऐसे ऐसे हमारा प्लान है, और उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं क्योंकि कई जगह वो घूम चुका है, कई सारी जगह मैं घूम चुका हूँ, हो सकता है बीच में कुछ दिन का डिफरेंस वगैरह और करना पड़े। वैसे तो अपना जो प्लान बना है वो 30-32 दिन का बना है, लेकिन अगर कुछ दिन बढ़ाने पड़े तो 40-45 दिन के आसपास मैं सोच रहा हूँ इस प्लान को कवर कर लूँ। और डेट वगैरह मैं अभी आपको नहीं बता पाऊँगा, जब हम यहाँ से निकलेंगे तब आपको बताऊँगा उस ब्लॉग में। और सौर आराम से चक्कर लगा रहा है पूरी छत पे। जो 12 ज्योतिर्लिंग की ट्रेन यात्रा रहती है उसमें खाना पीने का भी सिस्टम रहता है, मतलब वो आपको सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाएंगे, साथ में ट्रेन में खाने की व्यवस्था आपकी रहती है, लेकिन हमें अपनी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। हमारा जो कॉस्ट आएगा मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ 35,000 के आसपास पड़ जाएगा। अगर यहीं हम एसी की बात करें, अगर हम एसी थर्ड क्लास में रिजर्वेशन करवाते हैं तो 50,000 से ज़्यादा नहीं निकलता अपना कॉस्ट, और उस ट्रेन से अगर अपन जा रहे हैं तो 1 लाख रुपए के आसपास आ रहे हैं, मतलब 50,000 रुपए के आसपास एक्स्ट्रा लग रहे हैं, लेकिन उसमें कॉस्ट तो आ रहा है। साथ में अपन को हरिद्वार ऋषिकेश भी जाना पड़ेगा, और यहाँ से मैं अपने घर से पूरा जोड़कर चल रहा हूँ और वापस अपने घर तक आना है, उधर तक का मैंने पूरा कवर कर लिया है, मतलब इतने रुपये में मैं अपने घर से चलूँगा और वापस अपने घर पर ही आ जाऊँगा, और उसमें 1 लाख रुपए सीधा वो लग रहा है। और इसके बाद हमें वहाँ पर भी घूमना पड़ेगा, केदारनाथ वगैरह भी जाना पड़ेगा, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये के आसपास तो कम से कम उधर आने जाने का खर्च हो जाएगा। तो वो वाली मैं कॉस्ट अगर यहाँ से निकाल दूँ करीब, और एसी थर्ड क्लास की बात करूँ तो करीब 35,000 के आसपास ही मेरा खर्चा आएगा अगर मैं उस हिसाब से देखूँ तो। तो मिलते हैं आपसे भैया थोड़ी देर में, जब हम लोग डिस्कशन वगैरह कर लेंगे उसके बाद। अभी तो मैंने नहाया भी नहीं है, नहाना भी है जाके, आज संडे था इस वजह से जिम वगैरह भी नहीं की है। ऐसे तो आपको पता ही है अपन डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग की ट्रिप है काफ़ी लंबी है, और कई जगह पर ऐसी जैसे केदारनाथ वगैरह में थोड़ी ट्रैकिंग वगैरह भी करनी पड़ सकती है। तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बॉडी का अपना सेप मेंटेन कर लिया जाए ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भैया आज एक नया दिन हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नया दिन हो गया मतलब कल क्या किया, तो कल का मैं आपको रूटीन बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुकेश वगैरह घर जाना था मुझे, वही टूर प्लान की बात करने,
तो हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया, कुछ डायरेक्ट हमें ट्रेन वगैरह या फिर बसेस वगैरह नहीं मिल रही थी, जैसे रामेश्वर तक हम नहीं जा पा रहे थे भीमा शंकर से, तो हमने कुछ ट्रेनों के रूट्स चेंज किए। अभी तो हमने रिजर्वेशन नहीं किया था, मतलब देखा ही था बस, तो हमने उनके रूट वगैरह कुछ चेंज किए, मतलब कुछ और ट्रेन हमें दिखाई दी। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि रात में बैठ के एक अच्छे से फिर से मतलब सभी चीज़ों को डिस्कस करूंगा, और मुझे डेट भी चेंज करनी थी क्योंकि कुछ शादी वगैरह हैं जो हमें अटेंड करना ज़रूरी है। तो इस वजह से मैंने रात को आके दोबारा से पूरा रूटीन बनाया, मतलब पूरी रात फिर से लग गई मुझे, उस दिन भी पूरी रात लग गई थी और आज भी मुझे पूरी रात लग गई थी। सुबह 6 बजे के आसपास मैं सोया था पूरा रूटीन वगैरह बनाने के बाद, लेकिन अभी भी कुछ हो सकता है चेंजेस वगैरह करने पड़े क्योंकि वो जो मिनी चार धाम है, मतलब छोटा चार धाम जो है, यात्रा है गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ वाली जो यात्रा है, हम सोच रहे हैं वो भी कंप्लीट करें, उससे उसके लिए 10 से 12 दिन लग रहे हैं अलग से, तो उसका कुछ रूटीन बनाना, बाकी सब शेड्यूल अपना लाइन से हो चुका है। हाँ, एक आध जगह ऐसा हुआ है कि कहीं बस नहीं मिल रही है, जैसे श्रीशैलम मंदिर है वहाँ पर मतलब ट्रेन के बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो वहाँ से कहीं कहीं बस से हमें जाना पड़ रहा है। और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा होने वाली दोस्तों, ये पूरा कॉम्बिनेशन होने वाला है जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। इसमें छोटा चार धाम भी रहेगा, यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ भी रहेगा, कैसे आप घूम सकते हैं क्योंकि हम लोग भी घूमेंगे, साथ में 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, साथ में चार धाम भी दर्शन करेंगे, मतलब रामेश्वरम जगन्नाथपुरी केदारनाथ बद्रीनाथ और द्वारका, मतलब इन सभी जगहों पर भी हम यहाँ पर जाएंगे। तो मतलब काफ़ी लंबी अपनी ट्रिप होने वाली है, वैसे तो 30 दिन के आसपास की जर्नी होनी थी लेकिन अब थोड़ा और बढ़ चुका है, बीच में कुछ जगहें हमने ऐड और कर दी हैं, जैसे कि नासिक के आसपास की जो जगहें हैं शिरडी साईं वगैरह वो भी हम जाएंगे, तो उधर की आसपास की जगह है जैसे सन्नी सिंगनापुर हुआ तो वो भी हम देखेंगे, तो कुछ टाइम हमारा उधर पर लग रहा है। और कुछ ऐसा भी हो रहा है कहीं कहीं से हमें ट्रेन अगले स्टॉपेज के लिए जल्दी नहीं मिल रही है क्योंकि हफ्ते में एक ही ट्रेन चल रही है, तो हमें कुछ टाइम एक्स्ट्रा वहाँ पर देना पड़ रहा है, मतलब कुछ ऐसी जगह हमने देखी तो वहाँ की आसपास की जो चीज़ है वो भी हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा मेरा रूटीन बना है, अभी कुछ चेंजेस वगैरह और करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया था गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ के बारे में, तो हमें वहाँ पर कुछ चेंजेस करने हैं। वैसे मैंने वहाँ के कुछ ट्रेवल एजेंट से भी बात की है, वो तो भैया बहुत महंगा चार्ज बताया, 20,000 के आसपास सिंगल पर्सन का चार्ज ले रहे हैं, मतलब 10-12 दिन का वो टूर बनाकर दे रहे हैं, उसमें नाश्ता खाना भी रहेगा, लेकिन 20,000 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। मेरा वो पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का ट्रिप मैं सोच रहा हूँ कि 40,000 मैक्सिमम तक मैं बन जाए, वैसे तो 35,000 की मैं सोच कर चल रहा हूँ लेकिन 40,000 मैक्सिमम, इससे ज़्यादा ना निकले, मतलब ये मेरी पूरी ट्रिप कम्प्लीट हो जाए उसमें। और सर हन्नू करके भी आ चुका है, शायद 2-3 दिन पहले ही गिरा था, 2-3 दिन पहले ही ना आया था, परसों ना आया था, कल भी नहलाना था लेकिन सो गया था। अनु करके आ गया, काँप रहा है, ठंड है। और हाँ दोस्तों, कुछ डेट वगैरह या फिर त्यौहार वगैरह देखने के लिए मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, कैलेंडर मेरे पास नहीं था, तो कल मैं कैलेंडर भी खरीद लिया है बाजार से जाकर, क्योंकि मुकेश के पास अपन दोपहर में गए थे, काफ़ी देर हमने उधर बिताया, फिर हम लोग गए शाम को पंकज के पास, क्योंकि वो भी बोल रहा है कि हमें भी ले चलो, अब उसका बजट का बन पा रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है ये तो बाद में पता चलेगा। हम लोगों ने उससे ये बोल दिया साहब साहब कि सबसे पहले 10,000 रुपये हमें दो, हम लोग रिजर्वेशन कर लेंगे, उसके बाद जाओ चाहे ना जाओ वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तो तुम कैंसिल तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो भी बोल रहा था तुम लोग से अकेले अकेले चले जाते हो, मुझे ले नहीं जाते, तो इस वजह से हम लोगों ने ये सिस्टम किया है। और हाँ दोस्तों, पंकज का एक सिस्टम और है, जब जब हमारा ट्रिप प्लान हुआ, जैसे अभी हम नैनीताल भी गए थे, तो शुरुआत में तो वहाँ हाँ कर देता है लेकिन एंड टाइम में वो मना कर देता है, तो हमारा ट्रिप गड़बड़ हो जाता है, तो इस वजह से इस बार हमने पूछा भी नहीं था उससे। और नैनीताल में भी उससे हमने ये बोल दिया था फ्री जाना फ्री आना, कुछ नहीं करना तुम्हें, चलना है तो चलो साथ में, तो भी उसने मना कर दिया, बोला मैं नहीं जा पाऊँगा, इस वजह से हम थोड़ा कम मानते हैं उसकी बात। तो भैया इस वाले ब्लॉग में तो काफ़ी बातें हो गई, खत्म कर रहा हूँ इस वाले ब्लॉग को, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।